नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव में हारे हुए उम्मीदवारों के बारे में। उसको लेकर जो है बिहार सरकार ने एक पत्र जारी कर दिया है। पंचायत चुनाव में हारे हुए प्रतिनिधियों के लिए अच्छी खबर है। बता दें कि सरकार ने उनके बकाए का हिसाब कर रही है। बता दें कि पंचायती राज विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को कहा है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए नए भत्ते का भुगतान 15 दिसंबर तक जरूर कर दें। बता दें कि 12 दिसंबर को पंचायत चुनाव समाप्त हो जाएगा। इसके बाद पंचायत में जीते हुए प्रतिनिधि पंचायत का काम करेंगे। मालूम हो कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बड़ी संख्या में मौजूदा जनप्रतिनिधियों को हार भी मिल रही है। कोरोना के कारण पंचायत चुनाव 6 महीने की देरी से शुरू हुई। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत वर्तमान प्रतिनिधियों को ही पदनाम बदल कर काज विस्तार दिया गया था, लिहाजा उन्हें विस्तार वाली अवधि का भी भत्ता दिया जाएगा। पंचायती राज विभाग के निदेशक डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह के हवाले से जारी आदेश की माने तो अगर इस अवधि में जनप्रतिनिधियों का भुगतान नहीं किया गया है तो जिम्मेवार अधिकारियों की पहचान होगी। इसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी सिफारिश सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से की जाएगी। इन प्रतिनिधियों को बीते 3 साल से विगत भत्ते का नियमित भुगतान नहीं हो पा रहा है। बता दें कि पंचायती राज विभाग ने फिलहाल वित्तीय साल 2019-2020 और 2020-2021 के लिए 7 अरब एवं चालू वित्तीय साल में 15 दिसंबर तक के लिए 84,58,00,000 रुपये का आवंटन कर दिया है। विभाग की तरफ से जारी पत्र में यह भी कहा गया है कि यह राशि जिलों को भेज दिया गया है। उसमें यह भी कहा गया है कि इस राशि से पंचायतों के बाकी राशि का भुगतान किया जा सकता है। विभाग ने अपने पत्र में यह भी कहा कि अब यह शिकायत नहीं आनी चाहिए कि किसी प्रतिनिधि के नियमित भत्ते का भुगतान नहीं किया गया है। किस पद धारक को कितना मासिक दे जो है वो मिलेगा, उसको लेकर भी जो है हम आपको बता दें कि किसको कितना मासिक दे की राशि है वो भी जो है बिहार सरकार की तरफ से पहले से निर्धारित की जा चुकी है। अगर हम बात करें जिला परिषद अध्यक्ष की तो इनको 12,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो है इनको मासिक दे जो है वो देना था। वह जिला परिषद उपाध्यक्ष को 10,000 रुपये, पंचायत समिति के प्रमुख जो है उन्हें 10,000 रुपये, पंचायत समिति के उप प्रमुख को 5,000 रुपया, मुखिया के जो मुखिया हैं उनको 2,500 रुपये, उप मुखिया को 1,200 रुपया, सरपंच को 2,500 रुपया, उप सरपंच को 1,200 रुपया, जिला परिषद सदस्य जो है उन्हें 2,500 रुपया, पंचायत समिति सदस्य को 1,000, ग्राम पंचायत सदस्य को 500, ग्राम पंचायत कचहरी जो सदस्य होंगे उन्हें 500 रुपये की राशि दे की गई थी बिहार सरकार की तरफ से। बिहार सरकार ने साफ अपने पत्र में कहा है कि जो एक्सटेंशन मिला था इनको कोरोना काल के दौरान, चुनाव नहीं होने के दौरान, उस समय की जो राशि है वो बची हुई राशि है और वो जो है उम्मीदवारों को नहीं दी गई। यानी कि जो प्रतिनिधि थे उस समय पंचायतों में जो कार्य कर रहे थे उनका जो देय भत्ता था वो जो है जिलाधिकारियों की तरफ से जो है निर्गत नहीं की गई है। साफ तौर पे एक तरह से कह लें कि पंचायती राज विभाग के सचिव ने साफ तौर पे कहा है कि अगर उनकी राशि नहीं दे होती है, अगर किसी तरह की शिकायत आती है तो सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जो है उन पे कार्रवाई भी की जाएगी। तो ऐसे में अब उन उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है, यानी कि उन मुखिया के लिए अच्छी खबर है जो पिछले टेन्योर में मुखिया थे या फिर पंचायतों में किसी और भी कार्य पे कार्यरत थे, उनके लिए जो है यह अच्छी खबर है और उनके जो है मानदेय भुगतान की राशि जो है अब निर्गत करने की बात जो है बिहार सरकार की तरफ से साफ तौर पे की जा चुकी है। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।